अमीर लोगों को एक चेतावनी देते हैं कि अगर वे गरीब लोगों का देखभाल नहीं करेगा तो उन्हें सभी को निर्वासन किया जाएगा। Experience this mercy ourselves. Let's take a sneak peek at Our Lady of the Forsaken. वेकेशन भी पूरा वेज आया, कुछ है ही नहीं करने को। अरे कुछ नहीं है, क्या कुछ नहीं है, बहुत कुछ है करने को। अपने चर्च में देख कितना कुछ है, चल कोई एसोसिएशन देख लेंगे, कुछ करने मिल जाए। आपकी तबीयत कैसी है? आपको चलने को हो रहा है? आपको कमरे मिला क्या? मिला। फिर आपको कुछ ऐसा जास्त करके मतलब फादर को कन्फेशन होने का आपको और फादर को बुलाने का मैंने बोला कि लेके आओ मेरे फादर को। ज़्यादा प्रॉब्लम है उनका बारे में मैं जाके फादर को बताती हूँ, फादर और डीकेन के पास। तो उन लोग आते हैं उनका घर में विजिट करने, तो उनका प्रॉब्लम सुनते हैं, उनको दवाई के लिए या स्कूल का फीस के लिए और राशन के लिए जो ज़्यादा जरूरी है उसका बारे में उनको मदद। टू लर्न अबाउट गॉड्स मर्सी इन संडे स्कूल वी एनकरेज आवर चिल्ड्रन टू बी मर्सीफुल विद अदर्स। ऑल्सो वी हेल्प देम टू जॉइन वेरियस एसोसिएशंस ऑफ आवर पैरिश such as Children's Council, which specially focuses on building up their virtues like being merciful, being honest, patient. Secondly, we also encourage them to join Legion of Mary, where they render their services towards the act of mercy. We are the Helping Society of the Helpers of Mary. We work for the women and the children to bring them up in future and help them in the poor areas like this Malavani. We teach them tailoring and there are many women's group that work for the betterment of their life. मैंने कल OMG, Oh My God मूवी है ना, वो देखा था।
बहुत बकवास लगा। हाँ सच में मुझे भी लगा इतना बकवास मूवी है। तुम लोग को इतना बकवास क्या लगा वो मूवी में? अरे वो मूवी में बताया है कि हम कैथलिक्स चर्च में कैंडल जलाते हैं। सच्ची में चर्च में कैंडल जलाने से अच्छा हम लोग को किसी के घर में कैंडल जला कर उनका घर रोशन करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं रे, ऐसा मूवी ना ज्यादा मसाला डालते है, इसमें आधा सच है आधा झूठे। चल मैं तुमको सच्चाई बताती। कम्युनिटी वेलफेयर फंड, दिस कम्युनिटी वेलफेयर फंड इज डिजाइन टू मीट द बेसिक नीड्स ऑफ द पुअर सेक्शन ऑफ द पैरिश। They are like the welfare, the ration aid, then medical aid and education aid. Parishioners contribute according to their wish, maybe 1 rupee, 100 rupees, 1,000 rupees, whatever they can contribute once in a month. This amount is collected and used back to the communities in the way of their basic needs. Only sometimes there's urgent medical aid, then little more is given. Otherwise, all the parishioners. जब मैं यहाँ पर आया तब मैंने देखा बहुत सारे लोगों को प्रभु का कुछ शब्द के बारे में जानकारी नहीं थी। मौका मुझे अच्छा मिला, पूरा कागज है ये लोग, तो इस वजह से मैंने बाइबल क्लास इनके लिए स्टार्ट किया। बाइबल क्लास में क्या होता है कि जब हम प्रभु के बारे में लोगों को बताते हैं, प्रभु का शब्द उन्हें बताते हैं, तो प्रभु का प्यार, प्रभु का दया, प्रभु का रहम उन तक क्या है ये वो लोग जानने लग गए। ये लोग नहीं जानते थे पहले, क्या था, लोग ये समझते थे तो पिता परमेश्वर नाराज हो जाएंगे, हम ऐसा करेंगे वैसे करेंगे, वैसे नहीं। उनके अंदर प्यार का भावना है, दया है, रहम है, और ये बाइबल क्लास के ही जरिए हमको समझे क्या बोलता है, दिमाग में क्या है, दिल में क्या है। In the year of mercy, my vision for this parish is to bring people closer to God. One way is to tell them about the mercy of God in a true confession. God is merciful and is ever ready to forgive us. Besides this also, we are helping our people, poor people, in ration, medical and education. I want to see that more people are helped in this period. So, what help did you get? Ration or medical help. So, what do you get from the church? This is my helping people. Ka problem hai. इसकी वजह से मैं नहीं कर पाता हूँ काम, ना कुछ नहीं कर पाता हूँ, और कमर में दर्द रहता है, कभी कम कभी ज़्यादा रहता है। तो फिर आपके घर पे कौन काम करता है? मेरी वाइफ काम करती है। मिलता है तो थोड़ा घर का खर्चा बच जाता है। Parishes, local communities, in your family and friends. Mercy.